नमस्कार विद्यार्थियों, चलो आज फिर से हम लोग अपना कंपनी लॉ लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। और आज अपने हमें आज जिसके बारे में बात करनी है वो है पार्षद अंतर नियम। कल हमने बात की थी पार्षद सीमा नियम के बारे में, आज हम लोग देखते हैं पार्षद अंतर नियम क्या होता है। तो पहली डेफिनेशन जो है उसकी व्याख्या जो है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो दी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। कंपनी अंतरनियम में कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियमों का उल्लेख किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 5 के अनुसार एक कंपनी के ऐसे पार्षद अंतरनियम से है जो कि पिछले कंपनी अधिनियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। बिल्कुल एक जैसी डेफिनेशन है जो हमने कल देखी थी पार्षद सीमा नियम में, वही उन्होंने भी बताया था कि पार्षद सीमा नियम में कैसा है, जो मूलतः बनाया जाता है और उसे समय समय पर परिवर्तित किया जाता है, वैसा ही उन्होंने पार्षद सीमा नियम के बारे में भी व्याख्या दी है जो कि हमें उसके बारे में विस्तृत रूप में उसका अर्थ नहीं बताती है। तो इसके बारे में सही जानकारी अगर हमें लेनी है तो हमें न्यायाधीश केयर्न्स ने जो बताया हुआ है अंतर नियम के बारे में उसको हमें देखना चाहिए। उन्होंने कहा है सीमा नियम वह क्षेत्र है, उन्होंने उसे क्षेत्र कहा है, जिसके बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। इस क्षेत्र के भीतर अंशधारी अपने स्वयं के प्रबंध हेतु पार्षद अंतर नियमों के रूप में ऐसे नियम बना सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। चलो इसे हम लोग अभी अच्छे से देखते हैं। क्या कहा है न्यायाधीश केयर्न्स ने, उन्होंने कहा है सीमा नियम क्या है, वह क्षेत्र है जिसके बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। हमने पार्षद सीमा नियम में भी देखा था ऐसा सीमा नियम कि जो एक कार्य क्षेत्र बताता है कंपनी ने क्या करना है और कंपनी ने क्या नहीं करना है इसके बारे में बताता है। तो फिर फर्क क्या है दोनों के बीच में, उन्होंने ये बताया कि यह वह क्षेत्र है जिसके बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। इस क्षेत्र के भीतर अंशधारी, देखिए इसे बनाने के लिए कौन कार्य कर रहा है, अंशधारी अपने स्वयं के प्रबंध हेतु पार्षद अंतर नियमों के रूप में ऐसे नियम बना सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। जैसे दोनों भी है, पहले शुरुआत में जैसे समामेलन करना है कंपनी का तो हमें मालूम है प्रवर्तक को ही पार्षद सीमा नियम भी बनाना है, पार्षद अंतर नियम भी बनाना है। लेकिन केयर्न्स से बताते हैं कि अंशधारी, अंशधारी यानी जिन्होंने कंपनी में अंश खरीदे हुए हैं, या उनका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जिन्होंने अपना नाम जो है पार्षद सीमा नियम के इसमें अंशधारी के रूप में दिया है या सदस्य के रूप में दिया है, अपने स्वयं के प्रबंध हेतु, खुद के प्रबंध हेतु, यानी हमने क्या करना है क्या करना नहीं है ये बताने के लिए रूप में नियम बना सकते हैं। किस रूप में नियम बना सकते हैं, पार्षद अंतर नियम के अंदर ये बना सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। उचित समझे यानी क्या है, मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं बनाऊ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये पार्षद सीमा नियम जो है उसके अधीन रहकर ही पार्षद अंतर नियम को बनाना जरूरी है। पार्षद सीमा नियम हमें ये बता रहा था कि हमारा कार्य क्या होगा, यानी किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए हमें कंपनी को बनाना है और उन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए जो नियम बनाने हैं वो नियम कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो नियम बनाए जाते हैं आपके अंतर नियमों में। समझ में आया है। तो नियम जिन्हें वो उचित समझे यानी अपने सुविधा के अनुसार बनाए, ऐसा नहीं है यहाँ पे उसका अर्थ ये है कि कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, सरलता से हासिल करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है उस नियमों को बनाया जाए अंतर नियमों के भीतर। समझ में आ रहा है या फिर से हम लोग देखें। चलो हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या है पार्षद सीमा नियम अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम वो कंपनी का एक प्रपत्र है जिसका मूल आधार है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम को देख के ही पार्षद अंतर नियम जो है वो बनाया जाता है और पार्षद अंतर नियम
अंतर्गत नियम बनाना है, कंपनी के अंतर्गत नियम, यानी किसने क्या करना है, कंपनी कैसा कार्य कर सकती है, किसके द्वारा वो कार्य करेगी, वहाँ के अंशधारियों के ये क्या रहेंगे, राइट्स क्या रहेंगे, इसका पूरा का पूरा वर्णन जो है वो बताया जाता है आपके पार्षद अंतर्नियम में। ठीक है, ये दो डेफिनेशन देखिए हम लोगों ने। अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी विषय सूची क्या होती है। एक तो सबसे पहले इसका महत्व क्या है, अंतर्नियम का महत्व क्या है। अंतर्नियम जैसे सीमा नियम है, उसने आपको बता दिया है कि आपके कंपनी का क्या, हमने अलग अलग कल देखे थे उसके क्लॉजेस, वाक्य देखे थे, नाम वाक्य देखा था, फिर हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन क्लॉज क्या है, यानी एड्रेस क्या है उसका, स्टेट क्या है, राज्य कौन सा होगा वो देखा था, फिर उद्देश्य वाक्य देखा था। तो ये जो पूरे वाक्य है उन वाक्यों को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण रूप देने के लिए बनाया जाता है पार्षद अंतर्नियम। तो इसकी विषय सूची हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है विषय सूची में। सबसे पहला है प्रारंभिक अनुबंधों को स्वीकृति देना। प्रारंभिक अनुबंध क्या होते हैं? प्रारंभिक अनुबंध का अर्थ वो है जो कि कंपनी समामेलित होने के पहले, यानी कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र हासिल करने के पहले प्रवर्तक को कई प्रकार के करार करने पड़ते हैं, बराबर है। जैसे कि देखिए किससे कंपनी पैसा लेगी, या तो फिर कंपनी की जगह बतानी है तो जगह खरीदने के लिए भी प्रवर्तक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, करार करना है, संचालकों की नियुक्ति करनी है उनके साथ करार करना है, विशेषज्ञों के साथ करार करना है। ये ऐसे जो अनुबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रारंभिक अनुबंध, प्रारंभिक अनुबंध बना बताया जाता है। तो ये जो अनुबंध उसने जो बनाए हुए है प्रवर्तक ने, जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए उसने कंपनी की पहली ही मीटिंग में, सभा में, उसके लिए स्वीकृति ले लेना। अगर कोई अनुबंध के स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर वो अनुबंध जो है कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया नहीं, ये समझ के प्रवर्तक जो है उसके लिए स्वयं उत्तरदायी रहता है। पैसा भले ही कंपनी के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो लेकिन उसे देने की जिम्मेदारी जो है वो स्वयं किसकी हो जाती है? प्रवर्तक की हो जाती है। इसलिए विषय सूची में सबसे पहले, सबसे ऊपर क्या दिया गया है? प्रारंभिक अनुबंधों को स्वीकृति देना। समझ में आ रहा है। दूसरा है अंश पूंजी, अंशों की गिनती एवं मूल्य। क्या है अंश पूंजी? हमने पिछले यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी हमने एक देखा था, उसमें क्या देखा था कि आपको आपका कैपिटल लॉस बताना है। तो यहाँ पे अंशों की गिनती एवं मूल्य, यानी आपने विभिन्न प्रकार के शेयर्स बनाए हुए हैं, उसकी प्राइस क्या रहेगी, किस तरह से आपने उसे डिवाइड किया है, इसके लिए आपको अंतर नियमों में बताना जरूरी है। फिर आता है अंशों का आवंटन। आपने अंशों को अलग अलग इसमें बांटा हुआ है, क्या किया है, इसका इतना मूल्य होगा, विभिन्न प्रकार के आपके अंश है और उन अंशों का मूल्य आपने निर्धारित किया हुआ है। अभी इन अंशों को आपको किसको देना है? जनता को देना है। अगर आपकी ये सार्वजनिक कंपनी है तो आप क्या कर सकते हो? पब्लिक से शेयर्स के लिए डिमांड कर सकते हो, यानी उन्हें कह सकते हो कि आप शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दो। फिर या तो फिर आपकी निजी कंपनी हो सकती है, तो निजी कंपनी को भी शेयर्स का आवंटन करना है। वो किसे दिया जाता है? जो निजी कंपनी के सदस्य है उन्हें दिया जाता है। सार्वजनिक कंपनी के सदस्य को अंशधारी कहा जाता है और निजी कंपनी के सदस्य को सदस्य ही कहा जाता है। तो अंशों का आवंटन किस प्रकार से होगा, किनको किस तरह से अंश आवंटित किए जाएंगे, इसके बारे में जो नियम है वो भी कहाँ पे आप देख सकते हो? अंतर नियमों में। चलो हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे बाहर से मुझे एक इसमें आपकी कंपनी में मुझे निवेश करना है, अगर मुझे निवेश करना है तो मुझे जान देना है, एक अंशधारी के रूप में मुझे जान देना है कि मुझे कौन से राइट्स मिलने वाले हैं, मेरी क्या लाइबिलिटीज होगी, वो मैं किस तरह से देख सकती हूँ। जब आपके अंतर नियमों में उसके बारे में विस्तृत रूप से मुझे जानकारी हासिल हो जाती है तभी मैं क्या करती हूँ, एक कंपनी में मैंने निवेश करना है या नहीं करना है इसके बारे में मैं निर्णय ले सकती हूँ। फिर अंशों पर मांग, अंशों का आवंटन हो गया,
यानी कॉल्स ऑन शेयर्स, वो किस तरह से हमें मांगने हैं, किस रूप से यानी कैसे कैसे हम लोग उसके लिए डिमांड कर सकते हैं, कब तक के डिमांड कर सकते हैं और क्या उसके यानी कितना मूल्य होगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस विषय सूची में मिल जाती है। अंशों पर ग्रहणाधिकार, ग्रहणाधिकार यानी क्या होता है, हम लोगों ने उसे फिर से वो ले लिए है, फॉरफिट करना, शेयर्स को क्या कर रहे हो आप, फॉरफिट कर रहे हो, क्यों करते हो, जैसे कि आपने अगर ये क्लॉज आपके अंदर नियमों में नहीं लिखा हुआ है तो आप अंशों के ऊपर ग्रहणाधिकार नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये देखना है कि अगर कोई अंशधारी अपने पैसे देने में सफल नहीं होता है, पूर्ण रूप में अपने पैसे नहीं देता है, तो क्या उसके ग्रहण अधिकार का हक कंपनी को दिया गया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में पता चलता है। और कैसे वो ग्रहण अधिकार का अधिकार कंपनी किस तरह से ले सकती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इसके द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है अंशों का हस्तांतरण तथा संचारण। आप क्या करते हो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जैसे आपकी निजी कंपनी है तो हस्तांतरण का आपको हक दिया गया नहीं है, यानी आप बाहर में जाके किसी को भी ओपनली आपके शेयर्स बेच नहीं सकते हो। तो फिर ऐसे समय में कंपनी किस तरह से हस्तांतरण के लिए आपको अनुमति दे सकती है, या फिर आपकी सार्वजनिक कंपनी है तो हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या है, फिर संचारण की प्रक्रिया क्या है, वो किस तरह से होगी, इसकी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। अंशों के हरण की विधि बराबर है, हरण किस तरह से किए जाते हैं अंश, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पूंजी में परिवर्तन, अगर आप शेयर्स को या कैपिटल को कुछ अल्टर करना चाहते हो तो किस तरह से किए जाएंगे, किस किस की स्वीकृति उसके लिए जरूरी होगी, कौन सा रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी आपको पूंजी के में। तो फिर क्या है, पूंजी में परिवर्तन के बाद आता है अपना अंशों को स्टॉक में बदलना। अंशों को स्टॉक में बदलना यानी क्या होता है, जो आपके अंश है, समझ लीजिए आपके पास 100 अंश है, आप उसको इतने मात्रा में नहीं रखना चाहते हैं, उसका एक ही बनाना चाहते हो, तो आप स्टॉक में उसको बदल सकते हो। तो कंपनी कितने अंशों को मिलाकर एक स्टॉक बनाएगी, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। उसकी विधि क्या होगी, कब आपके अंश परिवर्तित किए जाएंगे स्टॉक में, या फिर स्टॉक को फिर से क्या अंशों में परिवर्तित किया जाता है, या फिर किस तरह से प्रक्रिया क्या होगी। वो अंश समझ लीजिए पहले आपके 10 रुपए के थे, फिर स्टॉक में आपने उसको बदल दिया है, अब फिर से आप वो स्टॉक को अंशों में बदलना चाहते हो, तो फिर उसकी उसका मूल्य क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी जो है वो अंशों को स्टॉक में बदलना, इसको देखकर आप ले सकते हो। फिर मताधिकार एवं प्रॉक्सी, हर कंपनी में हर सदस्य को ये हक दिया गया है कि वो अपना मत दे, तो वो मताधिकार उसके कैसे होंगे, वो किस तरह से मत दे सकता है, फिर अगर वो उसे जानना संभव नहीं है तो उसके बदले वो किसको नियुक्त कर सकता है और उसकी विधि क्या होगी, इसके लिए इसमें आपको बताया जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपने बदले में जाने देने की अनुमति देता है उसे प्रॉक्सी कहा जाता है। फिर वो प्रॉक्सी के भी क्या राइट्स होंगे, क्या अधिकार होंगे, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको अंतर नियमों से प्राप्त होती है। फिर सभा है, कंपनी में अलग अलग सभाएं होती है, वो कब होगी, उसे बुलाने की विधि क्या होगी, कौन उसको बुलाने के लिए यानी ये है, किसे अधिकार दिया गया है, कौन बुला सकता है, नोटिस कितने दिनों की देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ से पता चल जाता है। फिर आता है आपके निदेशक उनकी नियुक्ति। जैसे हमें मालूम है कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी अपना खुद का कार्य खुद नहीं कर सकती, वो किसके द्वारा अपना कार्य कर सकती है, निदेशक या हम जिसे कहते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर वो डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर अंशधारियों को पूरा विश्वास है। फिर वो अंशधारी उनकी नियुक्ति करते हैं, फिर किससे नियुक्त किया जाना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन हम लोग किसे नियुक्त कर सकते हैं, किस तरह से उसकी नियुक्ति होती है, कितने डायरेक्टर उसकी नियुक्ति करनी है, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। फिर ऋण लेने की शक्तियाँ, ऋण लेना यानी क्या है, कंपनी को अपना काम करने के लिए ऋण पैसों की आवश्यकता होती है। फिर
हरदम आप सभा बुलाओगे और उससे अगर अंशधारियों से आपको परमिशन लेनी पड़ रही है, अनुमति लेनी पड़ रही है, तो जब आपको ऋण चाहिए तब आप वो ऋण ना लेने की वजह से हो सकता है कि कंपनी अपने कई सारे अनुबंध जो है वो नहीं निभा पाएगी और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा नफा ना पहुंचते हुए हो सकता है कि उसको लॉस भी बेयर करना पड़े। तो ऐसे इसमें ऋण लेने की शक्तियां ये बताती है कि कितनी लिमिट तक के एक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लीजिए, या तो उन्होंने उनकी जगह पे एक व्यक्ति जो डायरेक्टर है उसे नियुक्त किया हुआ है, उसकी शक्तियां क्या होगी, क्या लिमिट तक के वो किसी और से परमिशन ना लेते हुए ऋण कंपनी के लिए ले सकता है या नहीं ले सकता है, उसे उससे ज्यादा ऋण लेना है तो किन की अनुमति प्राप्त करनी होगी, उसकी विधि क्या होगी, ये भी बताता है आपका पार्षद अंतर्नियम। फिर लाभांश तथा संचिति, आपको डिविडेंड कैसा देना है, डिविडेंड देने की आपकी क्या प्रक्रिया है, किसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, उसके पहले आपको कौन सी क्या क्या राशि अलग से रखनी पड़ेगी, कब आप डिक्लेयर कर सकते हो, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है आपके और उनको आपने एक साल को नहीं दिया है तो आप कितने साल तक के उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर बाद में आपको उन्हें लाभांश देना है तो उसकी विधि क्या होगी, उसके लिए नियम क्या होंगे, वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। फिर लेखिका अंकेक्षण, अंकेक्षण करना अनिवार्य है, वो तो किसके द्वारा किया जाएगा, किसे नियुक्त किया है, अंकेक्षक कौन रहना चाहिए कंपनी का, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति तो उसकी अंशधारियों के द्वारा ही होती है लेकिन कौन सा व्यक्ति है यानी कहाँ का है वो, कैसे उसकी नियुक्ति की जाएगी, कंपनी में अगर एक अलग से इंटरनल ऑडिटर चाहिए है तो उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और कौन से लेखे है, कैसा अंकेक्षण किया जाएगा, उसके लिए उसे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, इसके बारे में आपको ये बताया जाता है। और फिर आखिरी का आता है आपका समापन। समापन क्या होता है, जैसे कंपनी का समावेलन हुआ है वैसे ही कंपनी समापन भी हो सकता है, एक ये कृत्रिम व्यक्ति होने के वजह से वो खुद ही खुद का समापन नहीं कर सकती है, हम जैसे नेचुरल पर्सन है डेथ हो जाती है हमें समापन करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक कंपनी का क्या है, जिस तरह से उसका निर्माण किया जाता है उसी तरह से कई विधियों को या कई प्रकार के अधिनियमों का पालन करने के बाद ही आप कंपनी का समापन कर सकते हो। अगर कंपनी का समापन करना है तो कंपनियों को कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, उन्हें किन किन से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, उसकी पूर्व तैयारी क्या होगी, वो आपको बताया जाता है समापन। ठीक है, तो ये है आपकी अंतर्नियमों की सूची और इसी तरह से अंतर्नियम और पार्श्व सीमा नियम को बनाया जाता है। धन्यवाद।